मुदिता उपेक्षा क्षमा शील दान में वीर भाव ध्यान समाधि पर गया, तो ये गुण को साथ लेकर आगे बढ़ते रहे। अपने मन को साफ रखना, दूसरे के प्रति मैत्री भाव रखना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, अच्छी संगत में रहना और सब भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते, सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहना कल्याण का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग यही है। मछली जल में रहती है, जब तक वह पानी में पलटी नहीं मारती तब तक पानी पी नहीं सकती। मछली देखो भगवान ने क्या जीवन रखे, पानी में रहती है लेकिन प्यासी रहती है, अगर वो ऐसे उल्ट के नीचे फिर नहीं आती, बाहर कूदते कूद के उल्टते फिर। इसी तरह से जीव को संसार में पलटना पड़ता है। बुल्ले शाह गए अपने गुरु के पास, शाह इनायत के पास, महाराज भगवान को कैसे पाया जाए? और बुलिया रब का की पाना, इधरों फुटना इधर रहना, पनीरी अपने लगा रहे थे खेतों में बैठे, पनीरी उखाड़ उखाड़ के खुली होने लगा रहे थे, और बुलिया रब का की पाना, इधरों फुटना इधर लगाना। अच्छा, अपने मन की आसक्ति जो है व्यर्थ के कामों में ना लगा करके सत्कर्म में हम अपने आप को लगाए, तो ये है। उम्र तक महाराज जी खुद पैदल ही चलते रहे, भिक्षा करते रहे, और हमें भी आदेश था पैदल चलने का, हम भी ऐसे पैदल चलते रहे। और मन के पलटने के लिए सत्संग सबसे बड़ा साधन है। देखिए कितनी महत्ता बताई है, आप लोग सत्संग में आते हैं और सब आप सत्संग करते हैं, लेकिन दूसरे को भी हम प्रेरणा देते हैं भाई सत्संग में आओ, इसका लाभ है। पता नहीं कौन सा भाव अंदर हमारे अंदर आए, अनुभवी महापुरुषों की वाणी है ना, बस फिर मन गई है, और शरीर ने थोड़ी भक्ति करनी है, मन की है सारा कुछ। अपने मन को बिल्कुल ऐसे फ्री रखो, मस्त रहो और मस्त शाम की धूम में हो जाओ मतवाला, मस्त रहो बस। दूसरे गुरु से भाई बड़ी खुश रहती है, बड़े आनंद में रहती है, घर में रहती है हमारी तरह, हमारा चेहरे डाउन होते ऐसे लटके पड़े, तू हंसती खेलती रहती मस्त रहती है, तेरे चेहरे के ऊपर बड़ा नूर है। तो भाई हम तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, भक्ति भजन करते हैं, चिंता फिक्र चिंता ममता भगवान को दे रखी, हमने समर्पण कर दिया भगवान को, तो इसकी क्या पहचान है? समर्पण कर दी भगवान को, अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाने, उसका काम जाने, ऐसे खुश रहो मस्त रहो फ्री रहो अपने आप को। वो टेंशन आती सोच लो उसका रास्ता सोच लो उपाय सोच लो, लेकिन भाई मन को फ्री रखो, ये फ्री मन होगा तभी वो भगवान का वजन करेगा। भगवान अपने हृदय के अंदर दिखाई देंगे, उन्हें भीतर अखंड ज्योति अखंड आनंद आत्मा का परमात्मा का एक रूप नजर आने लगेगा। वे अपने आप को प्रकृति से ऊपर माया से ऊपर देखते हैं, उनके अंदर प्रेम रस का झरना झरता रहता है, फिर उनमें संसार के सुखों की इच्छा नहीं रहती। ऐसे बड़भागी प्राणियों का जीवन संसारी बंधनों से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति और उनके नाम रस की मस्ती में सराबोर हो जाता है, उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। बस ये मस्ती अंदर आनी चाहिए, मस्त रहो और मस्त शाम की धुन में हो जा मतवाला, ऐसी मस्ती हमारे अंदर आनी चाहिए। तो हम इसके लिए तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन बोल रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पर पूरी निष्ठा के साथ करो, पूरे विश्वास के साथ करो। यहाँ एक समय शिव भगवान माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे, क्या बोला? एक कौन? शिव भगवान माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती ने देखा कि सहस्रों मनुष्य गंगा स्नान करके चले आ रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण है। माता पार्वती ने देखा कि लोग स्नान करके तो आ रहे हैं लेकिन खुशी नहीं, मस्ती नहीं, आनंद नहीं, खुशी से फूले हुए नहीं है, ये तो ऐसे हताश रहा मुंह लटके हुए, स्नान किया गंगा में फिर भी ऐसे आ रहे हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी महाराज से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पापों और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहा जो इनके पाप दुख दूर हो जाए? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी पूछा। शिव जी महाराज ने कहा, प्रिय गंगा में तो
वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं। करते तो हैं लेकिन निश्चर पे ढुकी मारी आए ढुकी मारी, वो जाना गाड़ी का समय हो गया, गाड़ी ना निकल जाए, किसी को कुछ स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे हो। पार्वती ने शरीर से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया, सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी भगवान ने कहा ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। ये सब नहा नहा के ऐसे ही आ रहे हैं, और जिस जो चीज डुबकी लगानी है श्रद्धा से भक्ति से अपने कल्याण के लिए, वो कहाँ लगाते हैं, मैं तेरे को कल समझाऊंगा इसका रहस्य। दूसरे दिन बड़े जोर से बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया, शिवजी भगवान वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह उसे गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। शिवजी भगवान ने रूप बनाया वृद्ध का और उस गड्ढे के कीचड़ के वहां जाकर के बैठ के लेट गए और निकलने की चेष्टा करने लगे, पर फिर निकल नहीं पा रहे, ऐसी चेष्टा कर रहे हैं, मैं गिर गया हूँ गड्ढे में, मैं निकल रहा हूँ लेकिन कीचड़ इतना ज्यादा है कि वो मैं निकल प्रयत्न तो कर निकल रहे, ऐसा उन्होंने ढंग बनाया। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो, मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए। शंकर भगवान वृद्ध रूप बना के पार्वती को समझा रहे हैं कि तुम ऐसे रौड़ा ढाल शोर कर कि मेरे पति जो है गड्ढे में गिर गए, इनको निकालो कोई, इनके प्राण बचाए और मुझे असहाय की सहायता करें। शिव जी ने और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप हैं तो इनको हाथ लगाना। ये शर्त लगा दी, मेरे पति गड्ढे निकालो भाई को निकालो, लेकर वो इनको हाथ लगाए, ये तो भाई बहुत पुण्य आत्मा है जो निष्पाप हो, गंगा जी में स्नान करके ठीक से आया हो, निष्पाप है तो इनको हाथ लगाई, नहीं तो हाथ लगाते भाई आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वाले को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी कि मेरे पति को बचाओ, गड्ढे गिर गए हैं, ये बूढ़े हैं, असमर्थ हैं, लेकिन वो इसको हाथ लगाए जो निष्पाप हो, गंगा जी में नहा के आए तो निष्पाप हो जाता आदमी, तो निष्पाप गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कई लज्जा से डरे तो कईयों उनको कुछ धर्म भय का हुआ, कोई कानून से डरे, कुछ लोगों ने तो पार्वती से यह कह दिया करके आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो हैं ही, कहीं इन्हें बचाते समय हमारे हाथ न जल जाए। बुढ़े को निकालते हुए इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए, किसी का भी शिव जी को निकालने का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों व्यक्ति आए, सैकड़ों ने पूछा, किसी तरह श्रद्धा से भक्ति से प्रेम से जो भी करो, भजन करो, सिमरन करो, दान करो, पुण्य करो, सत्संग करो, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए, भाव की प्रधानता, ऐसे नहीं वैसे मशीन की तरह। जवान लड़का हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर महादेव करता हुआ वहां आया। पार्वती ने उसे भी वही बात कही, युग का हृदय करुण से भर आया, उसने गड्ढे में से शिव जी को निकालने के लिए तैयारी की। पार्वती ने रोका यह कहकर कि भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता मेरे निष्पाप होने में आपको क्या संदेह है, देखती नहीं मैं अभी गंगा स्नान करके आया हूँ, ये होता है गंगा स्नान, अब देखती मैं अभी तो गंगा स्नान करके, गंगा में स्नान करने वाले पाप कहाँ रह जाते हैं, भला गंगा में गोते लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं, आपके पति को मैं अभी निकालता हूँ। युग ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। भगवान शिव तथा पार्वती ने उस श्रद्धालु युवक को अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दिया, दर्शन दिए, उसके सामने प्रकट कर दिया और उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक युवक ऐसा है जिसने वास्तविक गंगा स्नान किया है।
बाकी जनों के दलाले जा रहे हैं। श्री राधे जय जय श्री राधे सत्य सनातन धर्म की जय।